उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ोद तहसील का एक गांव है सिनोली। कुछ समय पहले हुई खुदाई में यहां से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल में खुदाई के दौरान भी कंकाल मिल चुके हैं। यहां पर जो कब्रें मिली है उन्हें 2200 से 1800 ईसा पूर्व बताया जा रहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ पर खुदाई में धरती के नीचे से प्राचीन भारत के रथ एवं हथियार भी पाए गए हैं। यहाँ सिर्फ खेतों में ही दुर्लभ पुराने अवशेष दफन नहीं है, बल्कि गांव की गलियों और मोहल्लों में स्थित घर घर के नीचे प्राचीन भारत का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ पर एएसआई की टीम ने लगभग 15-16 फुट खुदाई की तो जमीन से नरकंकाल, तांबे के दो कड़ी, तांबे की म्यान, स्वर्ण के आभूषण, मनके, मिट्टी के बर्तन, बड़े मटके एवं खंडर नुमा रसोई मिली है। सभी को महाभारत के काल का माना जा रहा है। लगभग 18,000 आबादी वाले इस गांव में दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस गांव पर डिस्कवरी प्लस की एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों की नई खोज से यह पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व की पुरानी है। सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगह है जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुनहुदड़ो, लूथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़ है। दोस्तों, इस खोज से यह तो पता चल गया है कि हमारी भारतीय सभ्यता सभी से पुरानी है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।